हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो ज्यादातर आप मैप से समझेंगे, क्या जो इंडिया की एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, एक बहुत ही स्पेशल स्टेट 1947 से लेके 2019 तक उसकी टाइम है कैसे। तो वीडियो का टाइटल है जे एंड के ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियाज फर्स्ट स्टेट बिकम्स टू यूनियन टेरिटरीज। मतलब की ये पहली ऐसी स्टेट है जिसको दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया। बहुत पहले से हुए यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया हो, पर एक स्टेट से दो यूनियन टेरिटरी पहली बार बनी है। 29 स्टेट्स, 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया का डेमोग्राफिक था ज्योग्राफिकली, अब ये हो गए 28 स्टेट्स, 9 यूनियन टेरिटरी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड एक बेसिक मैप इंडिया का, पर ध्यान रखें ये मैप इंडिया का 31st of October से पहले का मैप है। अब ये मैप चेंज हो चुका है। इस मैप में आपको टोटल 29 स्टेट्स मिलेंगी और 7 यूनियन टेरिटरीज मिलेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, सबसे नीचे तमिलनाडु, इधर गुजरात और फाइनली इधर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चीज, अब सारी वीडियो जो इसका क्रक्स यहां पे निकलता है, क्यों हम इस वीडियो को बना रहे हैं, वो रीजन ये है। आप ऐसा मैप कई जगह देखते होंगे, ये जो मैप है जिसमें जो जम्मू कश्मीर है, जो इंडिया की स्टेट जम्मू कश्मीर है, उसको कुछ गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है। आप बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया या फिर इंडिया के बाहर की कंट्रीज ये मैप को यूज करती है। तो असल में ये प्रॉब्लम क्या, क्यों ये जो एरिया है इसको इंडिया के साथ नहीं रखा गया, इस एरिया को इंडिया के साथ नहीं रखा गया। तो यही हमारा सारा टॉपिक है, हम इसको समझेंगे एक टाइम लाइन में, ठीक है। तो क्योंकि हमारी सारी डिस्कशन एक ही स्टेट के जम्मू एंड कश्मीर की, तो बाकी सारा जो इंडिया का मैप है वो मैं देखता इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जूम इन करेंगे, सेंट्रिक हो जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे कुछ दिखता है जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप सिर्फ एक स्टेट को देखो तो ऐसा दिखता है जम्मू एंड कश्मीर। इस तरफ चाइना, इस तरफ पाकिस्तान, यहां पर आएगा हिमाचल प्रदेश और इसके नीचे आएगा पंजाब। नेक्स्ट चीज, तो जम्मू एंड कश्मीर बिफोर 1947 एक ऐसी बेसिक स्टेट, अगर आप आउटलाइन में देखें तो ऐसा कुछ दिखता था जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ भी आपको मिलेगा श्रीनगर और यहाँ पर है जम्मू, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी उसके पास कुछ लाइंस लगा दी है। लाइंस आगे जाके इनसे सब में कोई ना कोई कंट्री फिलिंग करेगी, कोई कंट्री इसको कंट्रोल करेगी। तो आपको मैं बताता हूँ आगे जाके लाइंस कैसे कैसे इनमें कंट्रीज अपने आपको फिलिंग करेंगी। तो सबसे पहले After UN ceasefire in 1949, तो मैंने आपको दिखाया 1947 में जम्मू एंड कश्मीर का मैप एक बहुत ही सिंपल मैप था, पर 1949 में क्या हुआ, एक ceasefire हुआ। ceasefire मतलब जब UN United Nations बीच में आते हैं दो कंट्रीज के और एक वॉर को रुकवाते हैं। तो हुआ क्या था, 1947 में कश्मीर के लिए लड़ाई हुई, यहां से पाकिस्तान आया कश्मीर में, और क्योंकि पहले कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, और जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन किया गया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन। और फाइनली जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी वो इंडिया का पार्ट नहीं। तो जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया था तो इंडियन फोर्सेस भी गई, तो यहां से इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर को क्लियर करना शुरू किया। पर 1949 तक यूएन ने एक सीज फायर, जो एक ऐसा आप कह सकते हैं डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा रूल होता है जिसके अंदर आपको लड़ाई रोकनी होती है। तो ये आप कह सकते हैं वो लाइन थी जहां पर इस तरफ से पाकिस्तानी आर्मी खड़ी थी और यहां पर इंडियन आर्मी खड़ी थी और यहां आगे लड़ाई रुकी। इस लाइन को एक बहुत ही स्पेशल नाम दिया गया, इस लाइन का नाम है LOC, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल असल में 1949 में जहां पर दोनों आर्मी खड़ी थी उसको आज हम बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अगली फोटो, तो अगली स्लाइड, इंडो चाइना वॉर 1962। तो इंडो चाइना वॉर 1962 में जो फर्स्ट वॉर हुई थी इंडिया चाइना के बीच में, और एक लौटी वॉर थी, उससे जम्मू कश्मीर के डेमोग्राफिक्स और थोड़े चेंज हो गए। अभी तक हम इस बारे में बात करते थे। फिर क्या हुआ, 1962 में एक बहुत ही बुरी वॉर थी इंडिया के लिए, इंडिया के लिए प्रिपेयर नहीं था हमारी कंट्री, इकोनॉमिकली थी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो ये जो रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, इस रीजन के ऊपर चाइना का कंट्रोल आ गया। आप जो येलो एरिया देखते हैं इसको बताता है अक्साई चिन। तो 1962 में जम्मू कश्मीर का एक और पार्ट निकल गया अक्साई चिन। आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली बताना चाहिए कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर मतलब POK और अक्साई चिन इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान और चाइना की। ये इलीगल ऑक्यूपेशन है, जम्मू एंड कश्मीर फुल स्टेट इंडिया का पार्ट है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइंड इन 1947। नेक्स्ट चीज, अब आता है 1963 का पार्ट। तो 1963 में क्या होता है कि पाकिस्तान अपने पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में से कुछ लैंड, ये लैंड दे देता है चाइना को, चाइना को गिफ्ट कर देता है, जिसका नाम था सकगाम वैली। तो पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया चाइना को, क्यों, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि चाइना के थ्रू पाकिस्तान में एक डायरेक्ट रूट बन सके, एक रेल रूट या फिर एक रोड रूट। इस वजह से पाकिस्तान ये जो लैंड लिया था ये चाइना को गिफ्ट कर दिया, ये हुआ था 1963 में। फाइनली जो चीज जिससे जम्मू एंड कश्मीर के ग्राफिक्स बन गए थे वो था 1984 में। क्या होता, आप देखिए पिछली साइड पर जाएंगे तो ये जो लैंड है, ये जो लैंड एरिया है ये उस टाइम में पाकिस्तान के कंट्रोल में था, पर 1984 में ये जो लैंड एरिया ये इंडिया के पार्ट बन गया, ये था सियाचिन ग्लेशियर। तो 1984 में इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ कि इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन को वापस इंडिया का पार्ट बना लिया, जिससे अब इंडिया सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी वहां डिप्लॉयड है और बहुत ही
ये इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि इंडियन आर्मी इतनी हाइट पे डिप्लॉयड है जिससे वो चाइनीज ट्रूप्स पाकिस्तानी ट्रूप्स पे एक अच्छी नजर रख सकते हैं, उनको पता है कि उनके आसपास क्या चल रहा है। तो ऐसे बदलते रहे जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक्स 1984 तक। अगली चीज, अब हम चीजें आ जाते हैं 31st of October, ये वो दिन है 2019 में जिस दिन हमारी कंट्री में दो नई यूनियन टेरिटरीज बनी, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो फिर से जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है वो बदल गया, गवर्नमेंट एक नया मैप इशू किया। इस मैप में गवर्नमेंट ने क्या किया, ये आप देख सकते हैं व्यू में, इतना बड़ा ये है लद्दाख यूनियन टेरिटरी। इसमें सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट है, एक लेह डिस्ट्रिक्ट जो कि सारा या तो लेह डिस्ट्रिक्ट एरिया दिख रहा है, और दूसरी जो इसकी डिस्ट्रिक्ट है वो है कारगिल। ये जो है आपको सारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। इतनी बड़ी यूनियन टेरिटरी है जो लद्दाख की, इसको डिवाइड किया गया दो डिस्ट्रिक्ट में। अब ये दूसरी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट है। जैसे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो बांदीपुरा, कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, बुदगाम, मैनपुर, रजौरी, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ रही है। आपको यहाँ पर बहुत क्लियर होना चाहिए लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, यहाँ पर सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर कंट्रोल करेंगे। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल यूनियन टेरिटरी होगी लाइक न्यू दिल्ली, और यहाँ एक सीएम होंगे, तो यहाँ सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलकर काम करेंगे, यहाँ पर सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। तो अब ऐसा कुछ देखेगा इंडिया का मैप फाइनली 31st October 2019 के बाद। चेंज सिर्फ आपको यहां देखने को मिलेगा कि अब ये एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई और ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ टाइम में पूरा मैप समझ में लगा हुआ इंडिया का, जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफाइड। मैं ऐसी वीडियो रेगुलरली बनाता हूं, कोशिश करें रेगुलरली इन वीडियो को देखने की, आपकी हेल्प करेगा जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ सक्सेसफुल डे।